कैसे हो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IQ Z9 का यहाँ पे गेमिंग कंपैरिजन, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है एंड इसमें काफ़ी सारे यूजर्स जो है यहाँ पे एक्साइटेड हैं इस फ़ोन की गेमिंग के लिए, क्योंकि IQ पर्सनली काफ़ी सारी गेमिंग फ़ोन के लिए जाना जाता है जो कि आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है MediaTek Dimensity 720 अल्ट्रा प्रोसेसर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे जो अंतुदु बेंचमार्क स्कोर है, अगर हम उसकी यहाँ पे बात करें तो अंतुदु बेंचमार्क स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देखोगे 7 लाख के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अप डाउन थोड़ा बहुत यहाँ पे बाद की संख्या चलती रहती है तो उनको यहाँ पे इग्नोर करना। यहाँ पे 7 लाख का आपको अंतुदु स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें कि यहाँ पे कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी निकल के आती है, तो यहाँ पे देखो हमारा FPS मीटर ऑन है एंड यहाँ पे हम BGMI को ऑन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे BGMI हमने यहाँ पे ओपन किया, ओपन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था तो देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे गेम प्ले करते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अरेना में जाके, यहाँ पे कोई भी एक मैच यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि FPS मीटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड ग्राफिक्स की सेटिंग अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, वो स्टार्टिंग में दिखाना मैं भूल गया तो एक सेकंड यहाँ पे वेट करना। तो यहाँ पे देखोगे 30 FPS आपको देखने को मिल जाएगा, 30 से भी नीचे जा रहा है, गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से जैसे गेम स्टार्ट होता है तो 60 FPS आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग पर टाइप करोगे, ग्राफिक्स सेटिंग में जाओगे, स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। एंड बैलेंस पे अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, HD पे यहाँ पे अल्ट्रा, HDR पे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा HDR का अभी सपोर्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे स्मूथ पे हम एक्सट्रीम लगा के खेलते हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ग्राफिक्स की बात करें किस तरीके से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कितना हीट हमारा फ़ोन होता है कितना नहीं। अब गेमिंग से पहले की बात कर लें तो गेमिंग से पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे 36 यहाँ पे हीट हो रहा है फोन एंड नॉर्मली यहाँ पे कुछ तरीके से देखने को मिल जाता है। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देखोगे 33 देखने को मिल जाता है, स्टिल यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जल्दी हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो 33% आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी एंड गेम भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट मैच कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट मैच कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो FPS मीटर है, ये FPS मीटर यहाँ पे 60 से नीचे नहीं जा रहा था भाई, चिपक के चल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 58 जा रहा था, उससे नीचे नहीं जा रहा था। एंड अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे 33 से 32 हुआ, यानी कि 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 1 मैच में एंड मे बी उससे कम भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले का भी बैटरी ड्रेन मेजर हमारे पास नहीं है। तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम हीट की बात करें तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट मैच के बाद आपको यहाँ पे जो फ्रंट से हीट देखने को मिल जाता है वो 39.5 देखने को मिल जाएगा। एंड यही चीज अगर हम इसके बैक से चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो बैक से यहाँ पे 37 देखने को मिल जाएगा। अब देखो सारे ही फोन यहाँ पे बैक से कम हीट होते हैं, फ्रंट से कुछ ज्यादा ही फोन यहाँ पे हीट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले के अपर साइड से कुछ ज्यादा ही फोन यहाँ पे हीट होते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आपको निकल के आती है एंड इसमें यहाँ पे गेम मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि काफी सारी चीजें यहाँ पे अलग सी देखने को मिल जाती है। सेम आप लोगों ने काफी सारे ब्रांड के अदर फोनों में भी देखा होगा कि FPS मीटर अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखोगे आपको एक चीज अलग सी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी 4D गेम वाइब्रेशन। अब 4D गेम वाइब्रेशन काफी ज्यादा कूल फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करोगे तो काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। डबल फायरिंग बटन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंगल फायरिंग बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसको लगा के हम यहाँ पे गेम प्ले करते हैं एंड एक बार हम यहाँ पे जो गेम को यहाँ पे रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि हीटिंग यहाँ पे पता चल सके एंड बैटरी ड्रेनिंग किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इसका यहाँ पे हम यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको भी यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो फोन है वो किस तरीके से हीट होता है एंड किस तरीके से सारी परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आती है, 39.4 यहाँ पे है एंड बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है 32। एंड यहाँ पे एक और मैच हम प्ले कर लेते हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगी एंड 4D टच का यहाँ पे किस तरीके से इसमें काम करता है, क्योंकि देखो IQ के फ्लैगशिप डिवाइस में ये चीज़ अलग तरीके से वर्क करती है, एक बजट डिवाइस में ये सारे फीचर्स डाले जाते हैं बट कॉम्प्रोमाइज़ करके तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें करने के बाद फोन थोड़ा सा यहाँ पे गेम्स स्लोली यहाँ पे लैग के साथ ओपन होता है एंड ये बीच मैच में आए भाई तो कुछ कह नहीं सकते।
ओके, तो यहाँ पे गेम ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे देखोगे रिकॉर्डिंग हमारी कंटिन्यू यहाँ पे वर्क कर रही थी, तो हम रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज कर देते हैं। पॉज करने के बाद आप लोगों ने एफपीएस मीटर को चेकआउट किया होगा एंड यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए तो इसमें 2% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो चुका है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, 32 से 30 यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखोगे फोन जो हीट है वो आपको 42 हो चुका है, यानी कि यार ये 40 पार कर चुका है। सरप्राइजली काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है इस फोन की अभी यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखोगे 39 बैक से हो चुका है, तो यार हीट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सरप्राइजली पता नहीं भाई क्यों ऐसा फोन हीट हो रहा है, मे बी प्लास्टिक बैग की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट कंज्यूम हो गया होगा, मेटल का होता तो आपको और भी ज़्यादा हीट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे फ्रंट में तो स्क्रीन पे एक मिरर देखने को मिल जाता है तो वो तो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो आपको वहाँ पे वैसा ही देखने को मिल जाएगा। और देखो इस गेम में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग हुई थी, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन को भी ऑन किया था, अभी फीचर यहाँ पे है तो अच्छा, लेकिन यार देखो आपको कुछ तरीके से फीचर देखने को मिल जाता है जो कि सरप्राइजली थोड़ा सा इनोइंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको डबल फायरिंग बटन इनेबल करना होगा। अब क्योंकि मैं डबल फायरिंग इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने फोन को यहाँ पे नीचे वाले बटन से यूज़ कर रहा था गेम प्ले के लिए, मैंने सिंगल यहाँ पे ऊपर वाले बटन को इतना यूज़ नहीं करता फायर वाले बटन को, तो यहाँ पे आपको डबल फायर बटन ऑन करना होगा अगर आप लोग दोनों बटन को एक साथ यहाँ पे यूज़ करते हो तभी आपको यहाँ पे मेंशन होगा। एंड तो इसके लिए एक स्पेशल सी वीडियो मैंने बना रखी है तो ऑलरेडी आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, अगर नहीं मिली तो यहाँ पे एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी उसको जैसे चेकआउट करना। तो फोन में काफ़ी अच्छी यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आती है एंड देखो FPS मीटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे चलते हैं, अब इस प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी तरीके से गेमिंग करके देता है एंड पर्सनली ये IQ की तरफ से आता है तो और भी अच्छी आपको गेमिंग यहाँ पे करके दे सकता है। एंड यहाँ पे फोन जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देता है एंड यहाँ पे देखोगे अब भी ये गेम इतना हीट होने के बाद भी आपको एनिमेशन यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पे एनिमेशन आपको ओपन करके देगा जो कि आप लोग देख सकते हो। परफॉर्मेंस फोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हमें वर्किंग करते हुए देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे फन टच OS के साथ देखने को मिल जाता है तो गेमिंग सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 49 के बाद भी ये फोन यहाँ पे देख सकते हो ऐसा नहीं है कि भाई लैग कर रहा है या कुछ कर रहा है, परफेक्टली स्मूथ चल रहा है एंड आप लोग देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वन टच यहाँ पे वर्क करता है। बैक पे टैप करोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसे यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड मेरे को गेमिंग पर्सनली पसंद आई। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर से टाइप कर देना या यहाँ पे आप लोग मेरे को साथ शेयर भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जितने के लिए जय हिंद जय भारत।